नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लखन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद लखन। इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियो प्रोवाइड करवा रखा है, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और साथ ही में अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। 191 पहला क्वेश्चन है, फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? आंसर, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए। आंसर, परमवीर चक्र। अगला क्वेश्चन है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? आंसर, कालिदास को। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? आंसर, चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? आंसर, यूरी गागरिन, रूस। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन है, जो कि रूस से है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? आंसर, नील आर्मस्ट्रांग। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? आंसर, राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम है और इसे कब छोड़ा गया? आंसर, आर्यभट्ट, सन 1975 में। उपग्रह का नाम तो है आर्यभट्ट और इसे कब छोड़ा गया था? 1975 में इसको छोड़ा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्वपूर्ण महासचिव कौन है? आंसर, ये थोड़ा गलत दे रखा है, बान की मून की जगह एंटोनियो गुटरेस है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर, 8 मार्च। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आंसर, आयोडीन की कमी से गेंगा रोग होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? आंसर, अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती हैं। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? आंसर, फुटबॉल। डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? आंसर, हीराकुंड बांध। भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितना भारतीय भाषाओं का मान्यता दी गई? आंसर, 22 भाषाओं को मान्यता दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, चीन की मुद्रा कौन सी है? आंसर, युआन। चीन की मुद्रा युआन है। अगला क्वेश्चन है, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? आंसर, हेनरी डुनान। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? आंसर, एनीमिया। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया है। अगला क्वेश्चन है, भारत कोकिला कौन कहलाती हैं? आंसर, सरोजिनी नायडू। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई शुरू की थी? आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक।
दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवानी शुरू की थी। दोस्तों ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही में अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें।